हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक होंगे? तो आज हम न्यू स्ट्रेटजी में आप ऐसे स्ट्रेटजी में ये बताएंगे कि जो हम एक कम्पेन्स क्रिएट करते हैं, ठीक है, तो कम्पेन्स का हम उन्हीं कीवर्ड्स को फिर दोबारा दूसरी कम्पेन में ऐड कर रहे होते हैं और उन्हीं कीवर्ड्स को हम फिर तीसरी कम्पेन में ऐड कर देते हैं। तो इस तरह की कॉम्प्लिसिटी जो है, कॉम्प्लिकेटेड जो ये कंपेन्स हो जाते हैं, इनसे बचने के लिए हम क्या करेंगे, हम तीन तरह की कंपेन्स बनाएंगे। अब हमारे पास जो कीवर्ड्स होते हैं, यानी कि अगर मैं आपको फॉर एग्जांपल इधर दिखाऊं, तो जो कीवर्ड्स हमारे पास टारगेटिंग होती है कीवर्ड्स की, वो हमारे पास तीन तरह की होती है। एक होती है ब्रॉड, एक होती है फ्रेज, एक होती है एग्जैक्ट। तो हम एक्चुअली डेली बेसिस पे आज क्या करेंगे, कीवर्ड्स कलेक्ट करेंगे, उनको हम एक ब्रॉड की कंपेन बनाएंगे, एक फ्रेज की बनाएंगे, एक बनाएंगे एक्सेप्ट की। तो उन तीन कंपेन्स में हम डेली बेसिस पे क्या करते जाएंगे, न्यू कीवर्ड्स को ऐड करते जाएंगे, ना कि एक न्यू कंपेन क्रिएट करेंगे और उसमें कुछ हम न्यू कीवर्ड्स और कुछ ओल्ड कीवर्ड्स ऐड करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, एक कंपेन को हम क्रिएट कर लेंगे, एक कंपेन को, जिसका नाम हम दे देंगे ब्रॉड, यानी कीवर्ड्स हम जो कंपेन का नाम रखेंगे, कंपेन मैनुअल टारगेटिंग, और उसके बाद हमारे पास कीवर्ड टारगेटिंग होगी। कीवर्ड टारगेटिंग में हम किसको टारगेट कर रहे होंगे, कीवर्ड को, ब्रॉड को। तो हम ब्रॉड को जो टारगेटिंग हम ब्रॉड की जो कर रहे होंगे, तो हम इसमें न्यू कीवर्ड्स ऐड करेंगे। अगर हमारे पास कोई ओल्ड कीवर्ड्स हम देखना चाहेंगे कि वो है या नहीं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसको हम सर्च करेंगे। अगर वो ओल्ड कीवर्ड्स हमारे पास मौजूद है तो हम उस कीवर्ड को ऐड नहीं करेंगे। तो फॉर एग्जांपल, अब मेरे पास पहली जो कंपेन है वो हमारे पास ब्रॉड है, हम इसको क्रिएट करने जा रहे हैं। मेरे पास है ये पिज्जा चैफल, इसको ये इसकी टारगेटिंग कर रहे हैं, तो मैंने कंपेन्स का नाम दे दिया, कंपेन मैनुअल कंपेन्स, अमेजोन सर्च रिजल्ट के मैं कीवर्ड ऐड कर रहा हूँ इसमें। और इसमें मैं जो कंपेन बना रहा हूँ पहले, वो ब्रॉड पे बना रहा हूँ। इसको मैंने डेट इसकी सिलेक्ट कर ली, एंड डेट मैंने कोई सिलेक्ट नहीं की। उसके बाद मैंने इसका डेली बजट सिलेक्ट कर लिया और इसको बिलिंग कर रहे हैं उसको। इसमें मैंने डायनेमिक बिड्स डाउन ओनली के, ताकि हमारे जो बिड्स हैं वो कम से कम स्पेंड, जो डाउन ओनली में है वो स्पेंड करें, लोअर यानी कि हमारे पास जो लोअर रेट है उसको स्पेंड। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट आ गया, मैंने इसको जो एड ग्रुप है उसका भी मैंने कंपेन्स का ही नेम दे दिया है, बोर्ड वाला, और उसमें मैंने प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैं कीवर्ड टारगेटिंग को मैंने सेलेक्ट किया और इधर मैंने इसको क्या किया है कि इंटर लिस्ट की जगह मैं इसको बोर्ड सेलेक्ट कर लिया और इधर मैं इंटर लिस्ट कर देता। अब मैंने कुछ कीवर्ड्स को कलेक्ट किया यहाँ पे, अब इन कीवर्ड्स को मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, पुट कर देता हूँ और मैं इनको चेक करूँगा डेली बेसिस पे। मैं न्यू कीवर्ड्स को इधर ऐड करूंगा और ना के ओल्ड कीवर्ड्स को, ताकि जो